सही। थैंक यू। चलें जी अब हम जा रहे हैं दुबिया ज्वेलर्स पे, वहाँ चल के आपको मिलते हैं। आप कैसी हैं? सोने जैसे सेट करने हैं इंशाल्लाह। हां आप तक भी सेट करने हैं शाम तक, कल तक ना भी लेना। सुन हम को नहीं लाओ। अच्छा अच्छा ठीक है माला नहीं आया। असि ते कमेटियां बाबा के सूट बनाए ना, इन्होंने कमेटियां बाबा के दुकान बना ली। यानी खा रहा है उसको, इतनी अच्छी लग रही है पूरी। ऐसे उठ के हम किसी के घर पाकिस्तान जाया करते थे। अच्छा बाहर का माहौल देखें, आज सुबह सुबह बारिश हो लिया। मेरी बेटी छोटी थी ना तो वो कहती थी मामा बाहर बारिश हो लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हम भी ठीक हैं। आज तैयारी हो रही है मैनचेस्टर जाने की, बस फटाफट किचन तुम मैं दसिया साफ किया, पहला सारी चीजें उठाई हैं रखी हैं यहाँ से। और कल मेरा जो है, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हमारा फूड फेस्टिवल जो है वो शायद हो चुका होगा या होने वाला होगा। और फूड फेस्टिवल है सैटरडे को, फिर हमने आगे जाना है रोमा के पास, वहाँ जाके जुनैरा को मिलेंगे और सब बच्चों से मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी मिलवाएंगे। हूँ तो मैं चल रही हूँ टाउन, मेरे बालों का जो मैंने खुद ख़राब किए हैं ना कलर कर कर के, अभी इनको जाके मैं वहाँ पे ठीक करती हूँ और फिर आपको टाउन सेंटर में मिलते हैं। ओके जी चले अब हम चलते हैं बाहर, मौसम तो इंजदा ही है, को कलर कराएंगे अभी और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। सो हेयर कलर इज गोइंग इन। हाउ लॉन्ग दिस विल टेक? 40 मिनट्स। 40 मिनट इतने बहना जाए आके 40 मिनट। वॉश एंड कट। ओके थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। चलें जी अब मैं जाती हूँ घर, और घर चल के देखते हैं हमने अभी और क्या करना है। ये जी कपड़े सारे निकाल रही हूँ, ये तैयारी हो रही है मैनचेस्टर जाने की, तो बस कुछ कपड़े समझ नहीं आ रही, वहाँ हमने एक हफ्ता रहना है या हमने 3 दिन बाद आ जाना है। लेकिन मैं ना फिर बड़ा ही मैनू अफसोस होता होता, मैं अपने कपड़े छड़ जावा ना घर। तो अब कपड़े लेके जाऊंगी, बस ये है कि फटाफट जो है ना हम फिर अपनी पैकिंग जो है वो करते हैं ऐसे। चलो जी जल्दी से चीजें, ये देखो सूट या नहीं सूट देते। अस्सलाम वालेकुम जी, हम निकल आए हैं, बस बड़ी मुश्किलों से निकले हैं, सामान चीजें बड़ा औखा है किधरे निकलना जाना, तो अभी हमें 3 घंटे लगेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपको मिलते हैं। नहीं जी अब हम पहुँचे हैं बर्मिंघम, और अभी कितना टाइम और है? 1 आवर और है, 1 आवर और है जी। नहीं जी हम पहुँच गए हैं, देखें बारिश कितनी हो रही है, बारिश हो रही है बारिश, ये देखें। तो कोट में आके हाँ जी पा लेने, बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा, आराम से पहुँचे हैं, और बड़े प्यारे फैन हैं वो यहाँ आएंगे मिलने के लिए और आपको मिलवाते हैं उनसे भी। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है इधर से बाहर बैठने का, पर इतने तो बाहर बंदा बारिश बड़ी, इधर ठंड है, मुझे तो गर्मी लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, देखिए दुबिया का तो वो बहुत छोटा, मेरा तो बहुत ही बड़ा। तो ये दुबिया जिनका मैंने आपको बताया था मिलने आए, हम दुबिया के साथ जा रहे हैं बाहर खाना खाने, आपको वहाँ चल के मिलते हैं। नहीं ये दुबिया जी, दुबिया की कल हमने शॉप को विजिट करना है, दुबिया की ज्वेलरी की शॉप है, गोल्ड ज्वेलरी की, तो कल आपको वो दिखाएंगे, अभी तो खैर बारिश बहुत है, चलो गड्डी से बैठिए। बारिश होती रहती है सब खाने की है इधर, है ना, साथ ही साथ साउथ हॉल जैसे वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ए बारिश और बारिश बारिश बारिश। मम्मी आंटी को कहीं देखो है, बिल बच्चा जी है।
कह रही हूँ देखा। अच्छा अच्छा खाना बहुत अच्छा था, हमने बड़ा एंजॉय किया। अब बारिश हो रही है तो अब देखते हम कहाँ जाएंगे। ये कौन से क्या नाम है और अभी हम यहाँ से क्या खाएंगे? डिजर्ट खाएंगे यहाँ से, फिर आपको अच्छा अच्छा नहीं नहीं ये देखिए जी हाँ ये मेरे साथ शेयर कर लो, मेरे साथ शेयर कर लो। हम आ गए हैं रूम के अंदर, आपको भी रूम दिखाती हूँ। यानी उनकी सारी टी कॉफी निकाल के रख रहा हूँ। अच्छा रूम दिखाते हैं जी, ये है रूम हमारा, दो दिन के लिए यहाँ हमारा स्टे है और बस अब थक गए हैं, अब रेस्ट करेंगे, सोएंगे और आपको मिलेंगे सुबह। थैंक यू सो मच ज़ुबिया, बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा ही मज़ा आया और इंशाल्लाह सुबह जो है आपको मिलेंगे सबको। तो बस सुनते बहुत ही थकावट हो गई, आपको मिलते हैं सुबह, हमें इजाज़त दें, टिल देन अल्लाह हाफिज़। वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, ये है बाहर का व्यू। हैं ये वाला पहन के जाऊं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है ले जी, हम हो गए तैयार और सूटा ने बड़ा ही दिमाग खराब किया कि सूट केड़ा पाना सी। बहरहाल फिर ये वाला डिसाइड हुआ है और ये मैं जा रही हूँ ज़ुबिया के ज्वेलरी शॉप पे, ये वाला सूट पहन के। ज़ुबिया से मैं आपको मिलवाऊंगी कि उन्होंने किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे वो एक साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको वहाँ चल के मिलते हैं। चलें जी अब हम जा रहे हैं ज़ुबिया ज्वेलर्स पे, वहाँ चल के आपको मिलते हैं। मौसम देखें कितना ज़बरदस्त है और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या ज्वेलरी है, कुछ मैं खुद भी ट्राई करूँगी, कुछ फिर आपको भी दिखाएंगे। तो चले चलते हैं। यानी थका? देसी एरिया सारा, सारे अपने लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा बस रौनक भी सारी इत्थे ही होएगी ना फिर, हैं? जिथे अपने लोग ने रौनक भी उत्थे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है? बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा थैंक यू। आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी? मुझे समझ नहीं थी आ रही। अच्छा अभी साथ में इनके हैं पार्लर है जी। तो मैंने जरा बाल अपने थोड़े से कराने हैं, वो करा के फिर हम, मैं और ज़ुबिया आपको सारा शॉप का टूर कराते हैं, ज्वेलरी दिखाते हैं। चलो चलो मैं लोकल मार्केट में भी लेके जाऊंगी। अच्छा हाँ उनका प्यार है। अच्छा 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 ये देखें जी, ये है कपड़ों की शॉप्स सारी यहाँ पर। अस्सलाम। अच्छा अच्छा अंदर है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपकी क्या है, शॉप का नाम क्या? मेरा नाम मिसबा हेयर एंड ब्यूटी। मिसबा हेयर एंड ब्यूटी सलोन पे हम आए आज और ये ब्लो ड्राई करेंगे मेरे बाल, सेट थोड़े जे सेट करने हैं इंशाल्लाह।
शाम तक, कल तक ला लेना। चले जी, चले। हम आपके पास आए हैं बाल कराने। हाँ जी हाँ, तो बस मैंने कहा कि कैसे हो मेरे बाल, एक तैयारी दो देखा ना, फिर आप देखे हो गया था, बहुत ज्यादा ब्लैक हो गए थे। मैं क्या रखा था? नहीं नहीं, वो शायद उस तरह में चलेगा, लेकिन ठीक है, काम चल रहा है आजकल। आजकल यहाँ बस मेरे अच्छे से करने हैं सेट, बोते भी ना खुला दे ऊपर। ये उसका तो जुबिया मेरे घर कलर लेने आई थी, पता है? अच्छा ना, ये जुबिया बड़ी, एक जुबिया ने पते की बात की है कि औरत कितनी भी कामयाब हो जाए ना, जैसे बैक्टीरिया 99% वो 1% बंदे को मार देता है ना, इसी तरह 99% कामयाब औरत कई दफा अच्छे पार्टनर ना होने की वजह से अपनी वो 99 क्वालिटीज डबो देती। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे हस्बैंड मिले हैं, साड़िया क्वालिटियां डुबिया नहीं, चार चंद ला गए। नहीं नहीं, बस बस यानी बंद कर दो, अब सारा वाला था ना ब्लॉग बना चुके। हाँ अच्छे लग रहे हैं, चले। हाँ थोड़ी सॉफ्टर लुक है ये, हाँ ये सॉफ्टर लुक होनी चाहिए। हाँ 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 अच्छे, बस हल्का ज्यादा नहीं करनी, बस मुझे ना सॉफ्ट रॉक लुक अच्छी लगती है। हाँ हाँ चले, पार्सल हो जाते ना वो भी बहुत अच्छे वाले। शॉप तो इनकी भी वैसे बड़ी अच्छी लग रही है ना, माशाल्लाह बहुत प्यारा प्यारे कपड़े हैं घर भी। हाँ ये देखो कितने अच्छे सूट हैं। चले बस आज आप ही उधर ऐड करनी है, हैं? मैं आऊंगी ना ये लेके आऊंगी साथ, हेयर ड्रायर। हाँ अच्छे चले ठीक है, ले आऊंगी ना अगर बाल ऐसे हुए तो साथ कर दूं ना, वेरी स्वीट नेचर, बहुत अच्छे लोग। देखो मैं कहती हूँ किसी से लेना क्या है, कोई अच्छी तरह बात कर ले आपके साथ। अच्छा अच्छा ये भी अच्छा, ये भी अच्छे हैं। हाँ एक ये मुझे ना ये वाले भी बड़े अच्छे लगे हैं, ये जो है ना ये गोल्ड का ये वाला। हाँ ये, हाँ ये भी नाइस है। इसकी क्या प्राइस है चेक करके बता दो। ये बड़ा नाइस है, मुझे ना छोटे छोटे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा आपने ये वाला निकाला था, हाँ हाँ ये मुझे पसंद आया, मैंने कहा इसकी प्राइस जरा मुझे करके बताएं ये कितना है। क्या जी ये वाला मैं लेने लगी हूँ यहाँ से, और इंशाल्लाह मैं हाँ ये मैं परचेस करूंगी। और इसके अलावा अच्छा इसके इस जैसे और भी हैं कोई? अच्छा इसमें कोई भी चेन लगा, अच्छा इधर लाए जरा इनको इसमें, पर पता नहीं ये मुझे देखते ही अच्छा लगा। ये वाले भी हैं, अच्छा लगा वैसे वो जो दिल में भर जाए। हाँ यही अच्छा लगा मुझे, चलें यही लेते हैं। तो जुबिया आपकी शॉप कहाँ है? ये मैनचेस्टर में है, लॉन्ग साइड पे स्टॉकपुर रोड पे। अच्छा थोड़ा सा इनसाइड पोर्टलैंड रोड M30SA। अच्छा चलें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस इनका लिख दूंगी शॉप का, और अगर आप यहाँ आए मैनचेस्टर तो इनकी शॉप को ज़रूर विज़िट करें। खुद भी जो है इनकी आदत बड़ी ही अच्छी है, आपने सेट ना भी लेना हुआ, ज्वेलरी ना भी लेनी हुई, आपको मिलके भी बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे बॉक्स में अच्छा चलें, ये मैं अपनी बेटी के लिए लेने लगी हूँ गिफ्ट, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। एक मुझे ये वाला भी अच्छा लगा है, ये मैं क्या इनको कहा दिखाएं, ये देखें बच्चियों के कितने प्यारे हैं ये कड़े चूड़ियां है ना, छोटे छोटे से बैंगल्स, वेरी नाइस। हाँ ये भी प्यारा है। अच्छा जी इससे पहले कि मैं सेट देखूं, मैं आपको जुबिया के बारे में बताना चाहती हूँ
कि जुबिया जो है आप देखें कितनी छोटी सी लग रही हैं, और माशाल्लाह इन्होंने ये सारी शॉप खुद अपने बलबूते पे बनाई है, खुद मेहनत करके बनाई है। और इनकी स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल मुझे लगी कि इन्होंने एक साल पहले ये काम स्टार्ट किया है ना, एक साल हो गया बिल्कुल, और किसी ने कोई हेल्प नहीं थी की थी कुछ नहीं, इन्होंने असी तो कमेटियां बाबा के सूट बनाए ना, इन्होंने कमेटियां बाबा के दुकान बना ली। हकीकत बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो सूट हुन ना बनाओ, तुसी भी कमेटियां पाओ और अपना बिजनेस कारोबार करें जिस तरह से इन्होंने किया। इनको कोई शॉप नहीं दे रहा था कि भाई औरत है तो औरत कैसे भाई गोल्ड का काम करेंगी या कैसे करेंगी, इन्होंने करके दिखाया माशाल्लाह से। और इनके हस्बैंड भी बड़े प्राउड है इनके ऊपर। ठीक है, आप बताएं कुछ अपनी स्टोरी छोटी सी। मैंने एक साल पहले ही शॉप खोली है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है। जब मैंने शॉप खोली, शॉप से पहले तो खैर काफ़ी स्ट्रेसफुल था, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने ऐसे दरवाजे खोले, लोग खुद आते थे मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरे जो ना फिर सपोर्ट होनी शुरू हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पर आ गई। देखिए माशाल्लाह ऐसे मैं कहती हूँ औरतें आगे आएँ, ऐसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। हमारे अंदर जो एबिलिटीज जो क्वालिटीज होती है ना वो हमें भी नहीं पता होता, बिल्कुल, लेकिन जब आप करते हैं चीजें फिर आपको महसूस होता है कि हम ये कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। और वही बात, जब अल्लाह आपके साथ है तो कोई कुछ नहीं। और ये सच बात है, जुबिया ने कमेटियां डाल के ये शॉप अपनी बनाई है, और बहुत ही मैं इम्प्रेस हुई हूँ, और मैं कहती हूँ सबको ऐसे करना चाहिए। दो तीन जीरो पता क्या 120 के। चलें अब मैं कुछ यहाँ से ट्राई करती हूँ कोई सेट, देखते हैं कि कौन सा जो है अच्छा लगेगा। ये पिंक वाला देखूं पहन के, हाँ अच्छा डिसेंट लग रहा है ना, वेरी नाइस। ये दिखाएं जरा, ये थैंक यू सो मच। ये देखें अब हम इसको पहनेंगे तो आपको दिखाएंगे। आपने भी जरूर आना मैनचेस्टर जब आना है जूबी आपकी शॉप पे। इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हम अब जा रहे हैं नाश्ता करने, आपको वहां चल के मिलते हैं। ओके हम किधर जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने? अच्छा जी, हम नाश्ता करने जा रहे हैं और मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है जूबिया के साथ यहाँ घूमने फिरने का। मैं तो कभी मैनचेस्टर फिर ही नहीं, इतना मुझे पता ही नहीं यहाँ पे क्या क्या है। हम आपको दिखाते हैं। चलें। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, आपकी फैन हूँ। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। अंदर आ जाएं। चलिए चलते हैं। अंदर आ जाएं। आज इधर। हां मैं भी देखती हूं। मैं तो इतना हैरान हूं आपको देख के। चलो 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 अच्छा। थैंक यू। ये देखिए जी, यहाँ पे मैनचेस्टर की मार्केट है, जुबिया बता रही है बड़ी अच्छी होती है, तो मैंने कहा चले चल के देखते हैं इधर क्या है। हाँ अच्छा अच्छा ये जैसे ना किसी और कंट्री की कोई जगह होती है ना जहाँ पे ऐसे चीजें होती हैं सारी, वैसे है ये। अच्छा यहाँ पे मटेरियल भी है ना, मटेरियल भी बड़ा जबरदस्त होता है। ये देखें सिल्क का दूसरा पैटर्न, चलें जी। हमने कहा था इधर से मार्केट है, थोड़ा देखें यहाँ पे क्या क्या कुछ है। अब हम देख लिया, अब हम अच्छा रश है बहुत, तीन है। देखें जी सारे नाश्ता करने। अच्छा
चलो यानी लस्सी भी आई है जी बड़ी जबरदस्त। यानी खा रहा है उसको इतनी अच्छी लग रही है पूरी और जबरदस्त नाश्ता हमने किया है यहाँ मैनचेस्टर में नफीस की शॉप पर। ये भी खा रहा है हमने खाना बड़ा रश था। जी मैं क्या इनको मिले तो हम मैं बुकिंग कर मैं थोड़ी सी मार्केट दिखाई फिर उधर से इधर आए फिर हमने खाई है दोबारा लस्सी पी के आए। हाँ बड़ी मजा तो चाय नहीं पी रही ना पता नहीं तो नींद ना आ रही है। हाँ ऊपर करने में पूरी चाय नहीं पी रही केड़ा की थी जी आंटी इधर रहती है पास तो इन्होंने कहा हमारे घर जरा आए साग बनाया इन्होंने तो हम शॉप पे आए थे अभी आंटी के घर जाते हैं और ये बनाएंगी चाय। है देखे जुबिया की शॉप है और ये सारे घर है जहाँ भूख लगती है वो खाना खा लेती हैं जहाँ दिल करता है चाय पी लेती हैं। पाकिस्तान वाला मॉल है ना लूड़े मीठे चौल। ऐसे उठ के हम किसी के घर पाकिस्तान जाया करते थे है ना इतने नहीं है जो कोई जानता किसी तक। अस्सलाम वालेकुम जी लेकिन जी आंटी के हम आए हैं घर यानी शोर से उतार लो बेटे देखिए आंटी का रूम है क्या तुम। अच्छा चले जी आंटी के किचन में चलते हैं बनाया आज। हाँ जी अच्छा पड़ा वाह जी वाह जबरदस्त लग रहा है साग पर असि हूं हलवा पूड़ी खाया नहीं तो मैं तेरे हाथ का साग खांदी जरूर। नहीं चख लैनी चलो चख लैनी लग गया माशाल्लाह बड़ा मजेदार बना हुआ मजेदार बने हैं साग। आप गई है ना। हाँ जी हाँ। जाके अबू से मिली है। हाँ। मुझे अपने अबू की याद आ गई। बस इस तरह ही मुझे लगता है हर कोई हाँ। सेम कश्ती च सवार है माँ बाप तुसी इत्थे आ जांदे हो छड़ के कई तो भुल जाते ने कई उन्होंने ही नहीं भुलते इत्थे सारी जिंदगी बाकी मैं कहनी हां दौलत पैसा बंदे दे अपने वास्ते किसे नूं ओहदा कोई नहीं किसे कोल तुहाडा ओही इखलाक है बोलना है जिहड़ा किसे वास्ते दौलत है फिर तवा बड़ा वड्डा है मेनू तवा नहीं लभदा चंगा। शादी है बेटिया की असि दुआ मंगनी है ना बेटिया की भी मंगनी चाहिए अल्लाह मुंडिया की भी किस्मत सगो बेटे जेडे होंगे ने ना बड़े मावां ने लाडले रखे होंगे ने कभी कोई सीरियस गल कीती नहीं जेले शादी हो जाती है ना फिर असी यह सोचने कि यह हुण इन्हां नूं समझ लग जानी चाहिए उन्होंने बेचारियां नूं किंज समझ लगे। चलो थैंक यू बिस्मिल्लाह नाइस है यानी नहीं कोई नहीं मैनूं तो बड़ा चंगा लगता होंदा इंज घर जाना ना किसी के घर मैं चली जावां बस।
चाय बन गई है, चले हाय नहीं मैं लगता चाह भी रहन दवा क्यों क्योंकि ना मैं बहुत चाह भी दुध वाली बनी है तो असी ना जाना है 5 बजे मैं उत्थे पहुंचना मैं जाके रेडी हैं अच्छा जी हां जी ओके ज़ुबिया ठीक है फिर ज़ुबिया शाम को मिलते हैं ठीक है चल हमने सोल्ड कर दिया है सोल्ड हो गया अच्छा इनको बता रही थी कि अभी उन्होंने लगाया हाँ ये मैंने ट्राई किया बड़ा प्यारा है हाँ हाँ तो ये हमारी नीली ब्राइड ले रही है अच्छा ओके 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 हम जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं वापस होटल और बड़ा मजा आया आज का व्लॉग यहीं से खत्म करते हैं और कल फिर आप देखें हमने क्या किया आज फूड फेस्टिवल पे।